बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडस्ट्रीज मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जूनियर क्लर्क का पेपर शुरू किया था और आज पार्ट 5 अपलोड कर लेते हैं। 4 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। ये पेपर 17 जनवरी 2021 को ईटा के जरिए सिविल सेक्रेटरिएट एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट केपीके के लिए हुआ था। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 79 से और पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 79 जो है दिस वन, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ है कि यरूशलम इज अ सेक्रेट प्लेस फॉर यरूशलम बैतुल मुकद्दस, ये मुकद्दस मुकाम है किसके लिए? क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, ए और बी, क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 80 देखे, 80 नंबर क्वेश्चन, हु लीड द खिलाफत मूवमेंट, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अली बिरादरान या मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखे, चूज द वर्ल्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू मिनेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन, मिनेस के मानी है खतरा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है थ्रेटन, नियरेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 82, ही रूल वाइजली फॉर मेनी ईयर्स, अंडरलाइन वर्ड वाइजली। दोस्तों मैं बता चुका हूं कि जब एल वाई आखिर में आता है तो ये मोस्टली एडवर्ब होता है, ज्यादातर 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो एडवर्ब होता है। तो ही रूल्ड, उसने किस तरह इस हुकूमत की, रूल वाइजली, तो इस वाइजली लफ्ज ने वर्ब रूल को मॉडिफाई किया, तो दिस इज एडवर्ब, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 83, ही सेड टू मी हाउ डिड यू गेट ऑल डेट मनी, तो इसका नरेशन इनडायरेक्ट में चलते हैं, तो इसका नरेशन बनेगा, ही आस्क्ड मी हाउ आई हैड गॉट ऑल दिस मनी। ऑल डेट मनी, ऑल दिस डेट विल चेंज टू दिस, आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट मनी ऑप्शन, ही आस्क मी हाउ आई हैड गॉट ऑल दिस मनी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखे, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, करेक्ट पेसियो, तो इसमें आएगा दोस्तों लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 नंबर, नॉट द सीट्स वर टेकन, नॉट ऑल ऑफ द सीट्स, नॉट ऑल ऑफ द सीट्स, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 नंबर, आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली, टेक्स डाउन राइट डाउन, इसकी कहते हैं इस अंडरलाइन लफ्ज की मानी क्या है, डेट इज टू राइट डाउन, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 87 जो है दोस्तों, ब्लैंक स्पेस यू सर्च हैज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच, एफ एफ अगर लगेगा, ऑप्शन बी है, एफ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच, ये तो इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 88 देखे, देयर आर माउंटेन्स मोर देन 8000 मीटर हाई इन द हिमालयस, तो इसमें ऑप्शन सी और डी में दोनों करेक्ट है, इसमें थोड़ा सा कंफर्म कर ले, आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन डी को भी कंफर्म कर ले। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, द मोटो ऑफ यू एन ओ, इट्स यूवर वर्ल्ड, यूएनओ का मोटो जो है ऑप्शन बी में, इट इज यूअर
वर्ल्ड। 90 नंबर क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 90, ही वाज डूइंग होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 90 नजर पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ है कि ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। ऑप्शन डी लगेगी इसमें। और क्वेश्चन नंबर 91 जो है दोस्तों, दिस वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स वर किल्ड इन द वॉर। ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द ट्रेन वॉज हेल्ड अप ऑन द अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। हेल्ड अप की माने डिले हो गया था, लेट आया था, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 के F7/5 ऑफ अ नंबर इज 6 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, व्हाट इज 11/4। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको देखिए, परस करें एक नंबर वो है x, तो x का 75, तो ये इस तरह आएगा x मल्टीप्लाइड बाय जरबे, ठीक है, ये इशारिया जरबे के 7/5। अगर इसका 7/5 हिस्सा जो है, दिस इज मोर देन 20%, तो इसका आएगा 20%, 20% को 1/5 हम लिखते हैं, 20/100 होगा, तो 20/100 क्रॉस हो जाएगा 1/5 से, 1/5 एक्स और जमा 6, मोर देन 20%, तो ये इस तरह जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड को 5 से जरब दे दे, तो ये 5 यहां पर 5 क्रॉस हो जाएगा, यहां भी क्रॉस हो जाएगा, और 6 के साथ जरब का लेगा, तो ये 7x आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू एक्स जमा 30 आएगा, एक्स जमा 30 आ जाएगा, 5 जरब का लेगा। अब यहां देखिए, एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है, 6x और इज इक्वल टू 30, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, वो नंबर क्या है, 5 है। एक्स यहां पर क्योंकि 30 को 6 पर डिवाइड करोगे तो एक्स का आ जाएगा 5। आप कहते हैं व्हाट इज 11, तो इसको 11/10 से जरब दे दे, 11/10, तो ये आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, 5 10 के साथ 2 के साथ क्रॉस हो जाएगा। अब 11/2 इज इक्वल टू 5.5, आंसर एक्चुअली ये है 5.5 है, लेकिन ऑप्शन में देखे तो 5.5 कोई नहीं, तो ऑप्शन डी जो है ना, एक्चुअली ये 5.5 लिखना था, तो 3.5 लिखा गया है, करेक्ट ऑप्शन इज डी है। और क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन जो है, तहवील क़िबला की तब्दील होने का हुक्म 2 हिजरी में आया था। और ये ऐसा कि नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी जिसका नाम था बशर बिन बर्रा बिन मारूर, मदीने में उस के हम मेहमान थे कि जोहर की नमाज का वक़्त हो गया, अब 2 रकात पढ़ चुके थे, 3री रकात में वही नाजिल हुई और काबा तब्दील हो गया, तो नमाज ही में नबी अलैहिस्सलाम और उसके साथियों ने क़िबला चेंज कर दिया, तो ये दो इसके साथ ये बात कि रकात और जोहर की नमाज। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड पीपीएम पेज पर मिनट, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 96 जो है दोस्तों, 96, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीन लैंड। बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीन लैंड है। और क्वेश्चन नंबर 97 जो है दोस्तों, 23 मार्च 1940 को द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकंडेड यानी दूसरे नंबर पर, पेश तो मौलवी फजल हक ने किया था, और सेकंडेड के लिए था चौधरी खलीकुज्जमान, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 98 जो है, 98 नंबर,
द स्टोरी इज टू फंटास्टिक्स टू बी क्रेडिबल. क्रेडिबल के मानी रिलायबल, बिलीवेबल है दोस्तों. ऑप्शन सी है. और 99 आखिरी क्वेश्चन जो है, शी गेव व्हाट मनी. मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए सम का लफ्ज आएगा, एस ओ एम. ऑप्शन बी है. तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों. जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें. वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.